रणवीर से पूछना कैसा था साल खट्टर के साथ काम करके। दीपिका जी कितना भी खतरनाक था। अरे दीपिका तो बहुत अच्छी है। हाँ सर, हाउ आर यू, कैसे हैं सर जी? बस अच्छे सर, अच्छे। बारिश मस्त हो रही है। जी जी जी, रुक गया वाह। सर ऑडियंस आपको बहुत मिस कर रहा है। भाई अभी अपना ट्रेलर लॉन्च हुआ है, फिल्म आने वाली है, इट्स कॉल्ड 200 हल्ला हो, प्लीज गो एंड वॉच। इट्स गोइंग टू बी लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, वेरी क्रीपी, सीरियल किलर आ रही है वहाँ, सब बच के रहना। एबीपी में जो आपका रोल है बहुत लेजेंडरी, तो उसको करने में आपको कितना ये लगा? भाई मतलब मिस्टर सैयद किरमानी का जो किरदार है, एक तो हूबहू लगते हैं हम दोनों। एंड नॉट जस्ट दैट, जब किरी भाई मुझे पहली बार मिले तो उन्होंने बोला वो किरी भाई, ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी फ्रॉम हिज नेम, तो वो बहुत सही था। बहुत प्रैक्टिस गई, बहुत मेहनत गई, और वो सिर्फ 83 महीने हर एक काम में गई है, 200 में भी गई है, तो आप वो जरूर देखिएगा। इट्स गोइंग टू रिलीज ऑन Z5। कैसा था रणवीर सिंह के साथ काम करके? रणवीर से पूछना कैसा था साल खट्टर के साथ काम करके। दीपिका जी कितना खतरनाक था। अरे दीपिका तो बहुत अच्छी है। दीपिका जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन दिस कंट्री, एंड शी इज़ वेरी स्वीट। काफ़ी बातें हुई, भैया और भाभी को बधाई को बधाई। सो हमारे को तो बहुत मज़ा आया थी तेरी में। कबीर खान वहाँ पे थे, हाँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पंकज त्रिपाठी थे और हमारे दोस्त यार तो साथ में थे। बिग बॉस क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी इन बिग बॉस। हमने देखो 2 साल से बिग बॉस ही खेल रहे हैं, और वही खेला है अपने घर में बंद थे, बस कोई देख नहीं रहा था। अब लोग देखेंगे, प्लीज ध्यान रखना बिग बॉस जब आएगा। बहुत मजेदार शो है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है एक्चुअली। ओटीटी पे भी आ रहा है ना करण सर? हाँ जी, ओटीटी पे आ रहा है, पहले करण सर आ रहा है, और करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट्स, आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट्स, एंड ही इज वेरी टैलेंटेड। ही इज द बहुत रेयर ऐसे टैलेंट होते हैं जो कि होस्ट भी होते हैं और डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, क्या क्या नहीं है यार करण जौहर। सो इट्स गोइंग टू बी रॉन्चियर, इट्स गोइंग टू बी एजियर। रूट पे देखिएगा जरूर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज बिग बॉस। लाइक अ श्योर फैंस को कुछ बोल दो। मैं फैंस को ये बोलूँगा, प्लीज जाइए Z5 पे, 200 हल्ला हो देखिए, फिल्म है जिसमें मैं सीरियल किलर हूँ, एंटागनिस्ट हूँ। लोग मुझे सिर्फ एज अ फनी पर्सन जानते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर मेरे एक्टिंग स्किल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एज एन एंटेगनिस्ट, एज अ विलन मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। और इसके बाद बस भाई स्क्रिप्ट लेके घर आ जाना, मैं एड्रेस दे दूंगा सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।